चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 करेंगे। परफेक्ट स्क्वायरिंग करना है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को पहले यूनिटी बना लें, तो आप चाहो तो 3 कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3x माइनस 7। परफेक्ट स्क्वायरिंग में ये दो टर्म ही काम आते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3x माइनस ऑफ 7 क्या होगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बाद 2 बाय 3x मिला, दिस इज बी। इसके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, 4 बाय 9 माइनस 4 बाय 9 माइनस 7। अब क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा माइनस 4 बाय 3 माइनस 7। तो ये इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 21 माइनस 24 माइनस 25 बाय 3। अब देखिए इसकी बात करें, स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसकी डोमेन रियल नंबर रेंज माइनस 25 बाय 3 टू इनफाइनाइट। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है अगर आप ये करेंगे, जब भी आप इसका ग्राफ भी बना पाएंगे, यानी आगे चल के अगर ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन होता तो परफेक्ट स्क्वायरिंग के बिना आप ग्राफ ही नहीं बना सकते थे। ये पैराबोला बनता, ये ट्रांसफर होता, इसके वर्टेक्स मिलते। जैसे अगर पैराबोला के जब क्वेश्चन करोगे तो 25 बाय 3 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर, ये कर्व बन गया और उसके बाद ही आप डायग्राम बना सकते थे। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग तो वैसे भी आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। दो चीज़ें बताई थी, एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी बना लें तो वेल एंड गुड। क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 5 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 5 एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय 5 एक्स के बाद 2x के बाद क्या मिला, 2 बाय 5। इसका स्क्वायर ऐड करिए, 4 बाय 25 माइनस 4 बाय 25। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई के साथ आएगा, तो 1 प्लस 4 बाय 5 अलग माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 बाय 5 माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 9 बाय 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बिकॉज स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसका मतलब डोमेन इज रियल नंबर। एंड रेंज की बात की जाए तो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 9 बाय 5। क्लियर है, तो कभी भी स्क्वायर फंक्शन के क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट करिए। और एक चीज़ याद रखिए, स्क्वायर फंक्शन हो मतलब बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, x पावर 4 हो, x पावर 6 हो, सभी का कंसेप्ट एक जैसा चलेगा। यानी इन सभी की अगर मैं रेंज की बात करूं तो 0 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इवन पावर का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता। और ऐसी ऑड पावर का कंसेप्ट अलग चलेगा, x, x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7, लाइक दिस। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन लीनियर फंक्शन एक जैसे ही होता है। जैसे लीनियर फंक्शन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हो गया, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर, मतलब रेंज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसलिए कोई भी लीनियर फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी, मान लो आपको मैं बोलूँ वाई इक्वल टू 3x प्लस 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज, रियल रियल, क्योंकि जब ओरिजिनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी नहीं होगा। मान लो आपको क्वेश्चन आए 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन रियल, रेंज इज रियल। बिल्कुल बिल्कुल सेम कंसेप्ट क्यूबिक फंक्शन में भी लगता है, क्यूब फंक्शन में भी लगता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब में क्या होगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जरूर कुछ ऐसा बनेगा। ये एक टर्न जरूर आता है पर मैक्स मिनिमा का टर्न नहीं कहलाता ये। तो इसकी डोमेन
real number and range is also real number. कारण माइनस टू का मैं आपसे बोलूं क्यूब करो तो आप क्या बोलोगे माइनस ऑफ एट. इसका मतलब नेगेटिव आउटपुट भी मिल रहा है पॉजिटिव आउटपुट भी मिल रहा है. तो एक्स क्यूब के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी वैल्यू मिलने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, तो इसमें क्या वैल्यू होंगी, तो आप इसमें पॉजिटिव भी मिलेंगी नेगेटिव भी मिलेंगी सारी वैल्यू मिल जाएंगी. इसका मतलब डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर. कोई इसमें नहीं है. तो क्यूब वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका आंसर बता सकते हैं. क्लियर है बात. चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आते हैं मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव. यानी कोई भी इनपुट हो आउटपुट पॉजिटिव होगा. एक तरह से स्क्वायर फंक्शन ही जैसा होता है, बट स्क्वायर फंक्शन इसमें डिफरेंस होता है. अगर मॉड एक्स की हम फंडामेंटल डेफिनेशन में जाएं तो दिस डेफिनेशन इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो. यानी नेगेटिव इनपुट देना है तो यहाँ देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव देना तो यहाँ देंगे. इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो पॉजिटिव में ये हो गया और जब एक्स नेगेटिव दे रहे हैं तो भी आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा. ये मॉडुलस फंक्शन हुआ. अब अगर हम इसकी बात करें, मतलब मॉड में चाहे आप 6 लिखो चाहे माइनस 0.6.5 लिखो या आप 7 लिखो, सभी के रिजल्ट सेम रहेंगे. इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर. रेंज क्या होगी, 0 to ∞. वाई 0 to ∞, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता. इसका मतलब इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेंज में चेंज आ रहा है, ये रेंज है. अब इसमें भी दो टाइप हो सकती है, एक ये हो सकती है और एक ये भी हो सकती है कि इसके आगे माइनस लगा हो. हमें अपना नेचर मॉड एक्स जैसा बनाना होगा. कोई कुछ भी बोले, चाहे वो निगेटिव बात बोले चाहे पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है. पर अक्सर हम मॉड एक्स के आगे निगेटिव लगा लेते हैं. कोई पॉजिटिव भी समझाए तो भी हम उसे नेगेटिव लेते हैं. तो अब अगर मॉड के आगे नेगेटिव लगा है तो क्या करेंगे, टू वर्ड डाउन. ये इसका ग्राफ होगा. इसकी डोमेन तो वही रहेगी बट रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आए अगर इस फॉर्म का होगा तो आप जीरो से इन्फिनिटी की रेंज पे जाएंगे, इस फॉर्म का होगा तो आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाली फॉर्म में जाएंगे. अब मॉडुलस में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको समझ में आ गया होगा जो स्क्वायर के कारण थे, फिर भी एक लॉजिक समझिए. जैसे मैं आपसे बोलूँ मॉड एक्स प्लस थ्री फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो सिंपल डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज थ्री से स्टार्ट होगी क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, राइट. और याद रखिएगा अगर वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस बी भी होता तो भी इसकी डोमेन और रेंज सेम रहती. डोमेन रियल नंबर, रेंज माइनस इन्फिनिटी, वो सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी. जैसे मैं आपसे बोलूं फाइंड टू एक्स प्लस थ्री माइनस फोर, फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो आप डोमेन बोलते रियल नंबर, पर जब बात की जाती रेंज की तो आप बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती और जब इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती तो माइनस फोर मिलता, तो रेंज इज माइनस फोर टू इनफाइनाइट. क्वेश्चन ऐसा होता 5 माइनस 6x प्लस 7. अब देखिए इसके आगे नेगेटिव लगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो ये मैक्सिमम मिलेगा 5. तो डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 5. यानी यहाँ पर रेंज नेगेटिव वाले उसमें चली जाएगी क्योंकि मॉड के आगे माइनस लगा है. बिल्कुल सिंपल जैसे स्क्वायर के क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से आपको मॉडुलस वाले फंक्शन के क्वेश्चन भी करने हैं. चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट टाइप पे आते हैं. एंड नेक्स्ट टाइप क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं और स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. क्या होता है, नाम से क्लियर होगा, ग्रेटेस्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, एक ऐसे ही होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या होता है वो भी समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे होती है। नाम से ही क्लियर है, एनी इनपुट आउटपुट विल बी इंटीजर। और यहाँ ग्रेटेस्ट वर्ड है, इस ग्रेटेस्ट वर्ड का मीनिंग समझिएगा आप क्या। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 तो आप बोलेंगे 6, मैं बोलूं -7 आप बोलेंगे -7, पर मैं बोलूं 6.5 तो आप बोलेंगे 6, यानी लेफ्ट इंटीजर देता है। मैं अगर बोलूं -7.5 तो आप बोलेंगे -8, लेफ्ट इंटीजर देगा। मैं आपसे बोलूं 6.99999 तो भी 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना नेचर ठीक इंटीजर नंबर पे ही बदलता है। अब ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कईयों को कि सर आप बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 क्यों है, 7 क्यों नहीं। तो मैं उसका रीजन बताता हूँ, आप समझिए। अगर मैं रियल लाइन पे नंबर बनाऊँ तो ये 6.5 है, ये 7 है, ये 6 है, एग्जाम्पल के तौर। यदि आप 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 बोलते हैं तो अगला बच्चा 5 बोले या 4 बोले या 3 बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबसे बड़ा इंटीजर हुआ इसका। पर यदि किसी ने 7 बोल दिया तो क्या होगा? अगर 7 बोल दिया तो अगला 8 बोल सकता, अगला 9, अगला 10, तो हम नंबर ही फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम हमेशा लेफ्ट इंटीजर लेते हैं। और आगे चल के जब हम पढ़ेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी सिम्बॉलिक फॉर्म ये होती है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हम राइट वाला देते हैं। अगर मान लो यही चीज 6.5 इसमें पूछी होती तो हम बोलते 7। यहाँ पर लीस्ट वर्ड बोल रहा है तो अगर मैंने बोला 7, कोई बच्चा बोलेगा 8, तो ऑब्वियसली 7 लीस्ट नंबर है। यहाँ पर हम 6 बोलेंगे तो फिर 5, 4, 3 में कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। इसलिए रिमेंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट इंटीजर देना है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में राइट वाला इंटीजर देना है। यानी यहाँ निगेटिव में अगर 6.5 माइनस तो 6.5 का राइट होता -6, जबकि यहां पर -6.5 होता तो -7। तो ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब आप कोई भी इनपुट दो, ये हमेशा अपने इंटीजर पे, जैसे 7 पे 7, अब 7.00001 पे भी 7, इवन 7.99999 भी होता तो भी 7, ठीक 8 आके मिलता है। यानी एनी इनपुट आउटपुट विल बी इंटीजर, किसी भी तरह का इनपुट दो आउटपुट हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा। चलिए अब इसमें कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं वो बताता हूँ, ग्राफ कैसा बनता है। और किसी एक फंक्शन को अच्छे से समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट समझ लीजिए, लिस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नॉर्मली ग्रेटेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए अपन ग्रेटेस्ट की स्टडी करते हैं, लिस्ट भी उसी तरह का। अब सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो डोमेन रियल रेंज इंटीजर नंबर, यानी आप कोई भी इनपुट दो जब आउटपुट इंटीजर ही मिलेगा तो रेंज इंटीजर हुई। अब इसके ग्राफ की अगर हम स्टडी करें तो ठीक 0 से लेके 1 तक इसका आउटपुट 0 होता है, नेचर 1 पे चेंज होगा। 1 से लेके 1.9999 तक 1 होता है, इसलिए इसे स्टेप ग्राफ या फ्लो ग्राफ बोलते हैं। 2 से 3 में 2 होगा, 3 से 4 में, इस तरह से आगे बढ़ते चले। ऐसे ही -1 से 0 में -1, -2 से -1 में -1, लाइक दिस। ये क्लियर है बात? तो इसलिए इसके डोमेन रियल नंबर रेंज इसका इंटीजर हुआ, यानी इस पे आउटपुट हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा एक्स प्लस माइनस इंटीजर हो तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस इंटीजर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 है तो आप इसे एक्स माइनस 3 भी लिख दें तो वही रिजल्ट होगा। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ रखा 6 तो 6 माइनस 3 3, तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा। आपने रखा 6.3 तो 6.3 माइनस 3 3.3 का इंटीजर 3, यहाँ पर भी वही होगा, 6.6 का 6 माइनस 3 देन आंसर विल बी 3। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस तरह के ऑपरेशन को लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताता हूँ।
इसमें अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के तो नहीं बनेंगे, वो बनेंगे तो आप तो लिख देंगे, इसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, और अक्सर इसकी रेंज पूछते हैं, आगे चल के पीरियड फंक्शन में भी काउंट होते हैं, तो डोमेन तो रियल ही होगी। रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर आप कोई भी इनपुट दो, जीरो मिलेगा या वन मिलेगा, वन ओपन में होगा। कैसे पता करेंगे, अगर मैं इसमें बोलूं आपसे 6.9 रखो, तो देखो 6.9 माइनस 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6.9 माइनस 6 तो 0.9, अगर ये 6.99 होता तो हमें 0.99 मिल जाता। ठीक इंटीजर रखते, 4 रखते तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाता। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि इसका माइनस कॉमन ले लिया तो एक तरह से हम बोल सकते हैं डोमेन रियल नंबर एंड रेंजेस निगेटिव में चली जाएगी, माइनस 1 से 0। अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 7, इसकी रेंज बताओ। तो डोमेन तो खैर रियल है, अब इसको करने के दो तरीके, x प्लस 3 इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था x माइनस माइनस प्लस 7, अब 3 प्लस 7 हो गया 10, तो 10 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस फॉर्म में बना लो, इसकी रेंज में आप 10 ऐड कर दो तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 10 to 11। ये इसका सिंपल तरीका होता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया बहुत जल्दी कर सकते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 माइनस x माइनस 6, क्या करेंगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 माइनस x प्लस 6 यानी 11 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। अब इसकी रेंज आपको पता है माइनस 1 से 0 होती है, उसमें 11 ऐड कर दें तो 11 ऐड करेंगे तो कितना 10 to 11, एक क्लोज में आएगा 0 तो ये क्लोज में आ जाएगा 10 to 11, क्योंकि जब आप इसमें 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, तो 0 होगा तो उस केस में 11 मिलेगा, और उसके अलावा कोई भी रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप इस तरह से बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।